प्लान था शेर खान को बेचना, अब नहीं बेचेंगे। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। चेंजेस ये है कि ओ बॉय गया मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी सोचा, काफी समझा, इस ड्रीम ट्रिप से मैंने काफी कुछ सीखा है और भी सीखते रहेंगे। हर दिन जब नया सूरज उगता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक नई शुरुआत होती है, तो फिर से एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा पास्ट के बारे में ज्यादा सोच रहा था, जो कि गलत था, नहीं सोचना चाहिए था। देखो, मैं इंसान हूँ, मैं भी नेगेटिव हो सकता हूँ, मैं भी पॉजिटिव हो सकता हूँ, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मुझे भी प्यार आ सकता है, मतलब सारे नौ रस मेरे अंदर भी हैं, सारे इमोशंस हमारे आते रहते हैं और उस इमोशन को जीना हक है। कभी अगर कोई कहता है कि मैं नेगेटिव नहीं होता हूं तो वो झूठ कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंट्रोल कर सकता है लेकिन कंप्लीटली ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पास्ट के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो वो प्रेजेंट खराब करता है, और प्रेजेंट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वो फ्यूचर बनाता है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं अपने पास्ट का नतीजा हूं, और अगर आज भी मैं पास्ट के बारे में सोचूंगा ना तो कोई फ्यूचर नहीं है। अगर मुझे फ्यूचर बनाना है तो प्रेजेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, तो मैंने सारी चीजों को भुलाकर अभी प्रेजेंट के बारे में सोच रहा हूँ। और प्रेजेंट ये है कि हमारे अफ्रीका ट्रिप आने वाली है, नए ट्रिप्स होने वाले हैं, बाइक राइड होने वाली है, ये सब बातें मैंने सोचा था कि नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि जब दिल में कोई बात होती है तो मैं शेयर करता हूँ, और इसीलिए अपनी जनता अपने को पसंद करती है, क्योंकि जो भी दिल में रहता है वो सब कैमरे में आ जाता है। हमारी शेर खान, पहले का प्लान था शेर खान को बेचना, अब नहीं बेचेंगे, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे। जब मैं आया था ड्रीम ट्रिप कंप्लीट करके, तो मैंने काफ़ी चलाया इसको, मतलब व्लॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया, काफ़ी चलाया, क्योंकि राइड करना एक तरह का मेडिटेशन होता है, तो हम थोड़ा सोचते हैं उसमें कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो इसने काफ़ी हेल्प की, राइड ने काफ़ी हेल्प की। मुंबई पहुँचने के बाद जब मैंने रेस्ट लिया था, उसके बाद मैं गया था घर पर, ज़रा वो भी आप देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, खाना वाना अच्छा है, लाइट क्या है, क्या बनाए मम्मी? क्या हो गया था तुम्हें? बच्चे लोग को दुआ है, मेरे को कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कौन काटा ये? काटा नहीं था, इंजेक्शन दे रहा था। है हाथ से खाना खा रहे हो, दिखाओ कैसे खाते हो। देख आ रहा है कैसे चावल खाया जाता है। अबू ने शिकायत है क्या, ऐसे करके खा, ऐसे करते खाते। ये बॉय, दिस इज बॉय। तुम्हारा खिलौना कहाँ है? वाह, अरे वाह, कुछ लिखते हो उस पे? खिलौने से ज्यादा तुम्हारी मम्मी दिख रही फ्रेम में। और भैया क्या हाल है? सही है, बैड न्यूज सुन के बुरा लगा। बैड न्यूज नहीं, सब गुड न्यूज है। मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया। ड्रीम ट्रिप कैंसिल कर दिया ना, वापस नहीं जा रहे, ये भी नहीं कंटिन्यू कर रहे। मम्मी के लिए तो खुशी की बात है ना, मम्मी घर पे रहूंगी। चलो खा लेते हैं। मम्मी ने झींगा बिरयानी, झींगा पुलाव बनाया। ये है जी मेरा नया प्रीमियम एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड। एज अ ट्रैवलर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप अपना सारे खर्चे करो, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड से हम कोई भी खर्चे करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और ये पॉइंट्स से बहुत कुछ हो सकता है, तो ये बातें किसी और ब्लॉग में हम करेंगे। जरा देखें प्रीमियम कार्ड का प्रीमियम एक्सपीरियंस अनबॉक्सिंग। एक बॉक्स, उसके अंदर और एक बॉक्स, यहाँ पर है जी क्रेडिट कार्ड। क्या प्रीमियम लगता है यार ये कार्ड। इस कार्ड को हर कोई नहीं ले सकता, मतलब इसके लिए थोड़ा अमीर बनना पड़ता है। अपन अमीर है, अमीर है ना, है तो दिल का भी और पैसे का भी। ये जो आप हमारा घर देख रहे हैं, ये इतना क्लीन पहले नहीं था, इसको क्लीन किया गया है, और मैं शफीक मिल के आराम से इसको एकदम शिद्दत से, मोहब्बत से हमने अपना घर को साफ किया, सारी किताबें अरेंज किए, सब कुछ किया, मजा आया। साफ सफाई भी एक तरह का मेडिटेशन है। ज़रा वो भी देखें, हम यहीं हैं, मिलेंगे आपको वापस। पूरे घर में जितना भी साफ सफाई करना होता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा टफ वाला काम और बहुत ज्यादा केयरिंग वाला जो काम है, वो हमारे वॉल ऑफ फेम का ये वाला हिस्सा है। अरे रखो, इसको ऐसे गिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, बहुत कुछ टूट चुका है इसमें से गिर गिर के, इसीलिए इसको बहुत सावधानी से साफ करना पड़ता है। और ये वॉल ऑफ फेम जो है ना, इसमें टाइम क्यों लगता है पता है? क्योंकि इसमें वर्ल्ड है, इसमें ना गोवा है, लद्दाख है, सब है, सब है। हमारे वॉल ऑफ फेम में एक नया एडिशन है जी, ये हमारे उड़ीसा के सब्सक्राइबर ने दिया था, और ये उड़ीसा की निशानी, इसके पीछे हैदराबाद, सब मिल जाएगा आपको, गोवा, लद्दाख, दुबई, रशिया, अब उड़िया। हेलो शेर खान,
हाउ आर यू? हेलो बबली, वेयर इज टिमोन? तो टिमोन को हमने दिया था सर्विसिंग के लिए, कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। ये वही टिमोन है जिसमें आग लगी थी, उसके बाद सीधा यहाँ पर उसको लेके आए थे, उसके बाद कभी नहीं चलाया। फिर शफीक आया तो शफीक सर्विसिंग में, यही होता है जब लोग रेगुलर नहीं करते हो, तो शफीक जाके सर्विसिंग में दिया था। अब जाएंगे हम बबली के साथ टिमोन लेने। परिवार का मेंबर है, परिवार का मेंबर है, ला दे, मैं चलाता हूँ। भैया ना लेफ्ट ना राइट, सीधा बीच में घुसा दिए यार, कैसे कैसे लोग है। हाँ 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 नहीं रे नहीं रे, शफीक बोलता है मिल गया थंबनेल। शफीक को क्या, पूरी जनता को पता है कि कैसे टाइटल थंबनेल यूट्यूब पे चलते हैं जिसमें व्यूज आता है। गाड़ी ठुक गई, गाड़ी गिर गई, पुलिस ने पकड़ लिया, क्रैश। यार ये जो बाइक है बबली, इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत शुरू से है पर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। वो दिक्कत ये है कि अभी जैसे फ्रंट ब्रेक मारता तो कोई आवाज़ नहीं आता है, बट रेयर ब्रेक के टाइम आवाज़ आता है। ये जो अंकल ने किया, वैसे रोड क्रॉस करते वक्त कभी मत कीजिएगा। जब रोड क्रॉस करते हैं इस तरफ से अगर गाड़ी आ रही है ना, आपकी नज़रें इस तरफ ही होनी चाहिए। वो अंकल ने क्रॉस किया और उनकी नज़रें उस तरफ थी। लास्ट टाइम एक्चुअल में बाइक में क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। उस दिन था इंडिया का मैच, वो सेमीफाइनल में इंडिया थी और इंग्लैंड थी ना, याद मत दिलाऊं। तो मैच देखने के लिए मैं जा रहा था सत्या के साथ मिलके, हम लोग कोई तो एक मस्त रेस्टोरेंट में स्क्रीनिंग बड़े पर्दे पे देखने वाले थे मैच। बाइक पे पेट्रोल थोड़ा सा कम था, मुझे लगा चल जाएगी, मलाड जाना था। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी आगे जा नहीं रही थी, और जैसे ही पेट्रोल खत्म हुआ उसके साइलेंसर के नीचे चूहे लोगों ने कपड़े लाके रख दिए थे, उस पे लग गई आग। मतलब सोचो सही टाइम पे, मतलब पेट्रोल खत्म हुआ, नहीं तो मेरे को पता भी नहीं चलता। और उसके बाद फिर उसको धक्का मार मार के हम लोग पहुंचाए पेट्रोल पंप तक, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब समझा ही नहीं कि क्या उसका सीन हो रहा है। फिर मैं वहां पर एक पास में हीरो का शोरूम था, उनको दिया तो उन्होंने गाड़ी टेम्परेली बना तो दिया, लेकिन उसके बाद जब मैं वापस लेके आ रहा था उसको, आते आते फिर से खराब हो गई। अब मैं हैरान परेशान कि अब क्या करना है। फिर पास ही में एक हीरो का और एक शोरूम था तो उनको दिखाया, तो उन्होंने भी टेम्परेली चालू कर दिया, उसका उसे घर पे लाके मैंने रख दिया। भैया उसका मेरे ख्याल से 300 से 400 रुपये गया, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं पुलिस वाले। कम पावर वाली बाइक को भगाने का भी एक मजा है भैया, भाग नन्नो भाग रे। अरे भैया इसकी ब्रेकिंग ठीक नहीं है। बाइक को उतना ही स्ट्रेच करना चाहिए जितनी उसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से तो ये भैया मतलब चल तो जाएगी, भाग तो जाएगी, रुक नहीं पाएगी फिर। अरे चलो मियाँ, अरे हमको साइड दे दो, अरे चलो, अरे अरे भैया, ओ ये, ओ माय गुडनेस, अरे चिटकू, अरे मिंटू, अरे शिंटी, अरे शिंटी हट जा, अरे शिंटी मरवाएगी, शिंटी हट। अजय जी फिर से एक बार गंदी ट्रैफिक में, पहुंच गए ट्रेडमार्क। ये रेस्ट रूम है, नीचे एक्सपल्स अभी वॉश हो रहा है तो उसके बाद लेके चले जाएंगे। सारा हो गया, प्रॉब्लम कोई ज़्यादा प्रॉब्लम था ही नहीं, बस एक फ्यूल पंप चेंज करना था, वो चेंज किया तो हो गया सारा प्रॉब्लम सॉल्व। देखो जी ऐसा है कि हमारी गाड़ी तो तैयार हो चुकी है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। चेंजेस ये है कि ये जो हैंडल बार है ये नया डाला गया है, और पीछे ये टेल प्लेट, एक नया एक्सपीरियंस के लिए। एक बार टेस्ट ले लेते हैं चला के। तो हैंडल बार का एक्सपीरियंस तो काफ़ी चेंज हुआ है। पहले मैंने सोचा था कि हैंडल बार राइजर लगाएंगे, लेकिन अभी ये जो नया हैंडल हमने लगाया है थोड़ा सा हाइट पे है। अभी एक राउंड में समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा लॉन्ग राइड करेंगे या फिर थोड़ा और चलाएंगे तो समझ में आएगा, बट हाँ मतलब हाथ अभी पूरा ऐसा हो गया है तो इट्स गुड, चेंज इज गुड। ये है मनोज भाई। मनोज भाई ने जबरदस्ती ये हैंडल बार लगवाया है और ये टेल प्लेट लगवाया है। थैंक यू भाई। अभी हो मतलब होप तो यही कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम आई थी, थैंक यू। हाँ सही लगा हैंडल। अब ये सीट का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बिल्लियों ने ना नाखून मार मार के छेद कर दिए इस पे। बर्फ लेके जा रहे हैं, बर्फ। ट्रैफिक को चीरते हुए घर में पहुंचना पड़ेगा क्योंकि हर जगह लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा। अरे संजू बाबा, बाबा सलाम बाबा।
कुछ लोग को देखा है, कुछ लोग नहीं बहुत लोग को देखा है जिनके पास बाइक होती है ना, वो अपने बाइक को बहुत क्लीन रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, मतलब जान से भी प्यारा रखते हैं। और कुछ लोग होंगे मेरी तरह जो बस ऐसे ही फेंक देते हैं बाइक, जाओ चूहे काटो बिल्ली काटो, ये सीखना पड़ेगा अपने को। अभी मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया जिसमें मैंने कहा कि अरे कल व्लॉग आ रहा है तो सोए तो नहीं हो, भूल तो नहीं गए, जागे हो ना। तो उसमें एक बंदा फिर मेरे को कंपेयर कर रहा है और यूट्यूबर्स के साथ, और हमेशा कंपैरिजन चलते रहता है। तो जो लोग भी कंपेयर कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम द लिमिटेड एडिशन सुपर यूनिक कंटेंट क्रिएटर। हमारी तरह आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा, हमारी आदतें किससे भी मैच नहीं होगी। आई एम अ लिमिटेड एडिशन। तो कंपेयर की बात तो खत्म हो जाती है, ये तो डोंट कंपेयर। ये एक्चुअल में जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा लेसन है, लसन, जिंदगी का बहुत बड़ा लसन है। ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय गया मैं तो, कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करने का, नहीं तो हमेशा आपको जिंदगी में निराशा ही मिलेगी। पकलोली बहुत हुई, ओ बॉय खाना जूस, कौन सा एरिया आ गया ये। एक बार सैडलिंग करके भी देखे, ओहो सैडलिंग में भी परफेक्ट, एकदम परफेक्ट नहीं मतलब थोड़ा सा हाइट चाहिए था, बट बिना हैंडल बार राइजर के भी ये हैंडल सही है। अब भरा लेंगे पेट्रोल, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी जिसके वजह से ये सब हमें करना पड़ा, पेट्रोल ना होने की वजह से। आजकल के ज़माने की जो गाड़ियां हैं ना वो नई टेक्नोलॉजी की है, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए टंकी में और उसके बाद भी गाड़ी चलते रहे तो वो जो नली है जो फ्यूल पंप जो सूख जाता है, फिर उससे होती है प्रॉब्लम्स। तो हम रिक्स से नहीं लेंगे, हम भरवा देंगे। नहीं भाई नहीं, भैया जी आए थे क्रेडिट कार्ड बेचने, बट हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है एकदम प्रीमियम। अभी क्या क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में मैं मतलब थोड़ा रिसर्च किया हूँ तो कुछ चीज़ें समझ में आई है। क्रेडिट कार्ड लेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो एक्सिस बैंक का तो जो मुझे लगता था कि अपने लिए बेस्ट है वो तो मैंने ले लिया है। घर पहुँचते पहुँचते कितने बज गए? पौने सात। बस कुछ ही दिन बचे हैं हमारे जन्मदिन को, और कुछ ही दिन बचे हैं उसी दिन हमारी अफ्रीका ट्विन द वैरम बाइक इज कमिंग। मैं सोच रहा हूँ कि वो बाइक जैसे डिलीवरी मिले और उसके कुछ ही दिन बाद मतलब मॉडिफाई करके फिर निकल जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सजेस्ट करो कि कहाँ निकला जाए, कहाँ पर ड्रामा मिल सकता है, कहाँ पर पहाड़ तो समझ गया था। ड्रामा, पब्लिक ड्रामा देखती है आजकल भैया, और कॉन्टेंट ना देखना, ड्रामा कहाँ मिलेगा, कहाँ पर बाइक गिरेगी ज्यादा, कहाँ पर पुलिस पकड़ेगी, क्रैश कहाँ होगा, केरला में पकड़ेगी। मजाक की बात, देखो जी हमको जो करना है वो तो हम करेंगे, पब्लिक को जो करना है वो तो करेंगे। मैंने एक देखा है कि जमाना आता है, मतलब एक टाइम जब लोग बहुत ट्रैवल देखते थे, फिर एक टाइम आया फैमिली देखने लगे, फिर एक टाइम आया फिर लोग यू नो ड्रामा और ये सब चीज़, तो चलते रहता है, जिंदगी की रीत है, यही मेरा गीत है। जैसे मैं ड्रीम ट्रिप में था तो शफीक जाके अपनी आंखों से देख के आया था वेनम बाइक को, तो हम भी सोच रहे हैं कि कल परसों जाके अपनी आंखों से देख के आए, क्योंकि आंखों देखी फील अलग होता है। तो दिल नहीं बोल रहा था, मन से बोल रहा मैं गाड़ी आ गई, मैं जाके देखूंगा। तो देखो गाड़ी तो आ गई है, गाड़ी का नंबर भी आ गया। इस बार थोड़ा हमने स्पेशल नंबर लिया है। अच्छा 9966 पैसा दिए, 6,000 रुपए। अच्छा यस ब्रो, 5,000 उसका कॉस्ट है, बाकी 1,500 वो अपना इसे दलाल चलेगा, वो अपना ब्रोकर वर्कर को दे दिए, दलाल नहीं मिलते। सो या आई एम हैप्पी फॉर एक्साइटेड फॉर दैट एंड I hope you enjoy this vlog. Baba take care, khuda hafiz, live a live a dream. हर दिन सूरज ढलता है और हर दिन सूर्योदय सूर्यास्त, हर दिन सूर्यास्त होता है, हर दिन सूर्योदय होता है, हर दिन सूर्योदय हर